क्लास थर्ड फोर्थ फोर्थ के लिए आज का चैप्टर है अपने पास में रोमन न्यूमरल्स, मतलब रोमन नंबर्स। रोमन नंबर होता क्या है? अपन नॉर्मली जो नंबर्स लिखते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो नंबर होते हैं इनको बोला जाता है हिंदू और अरबी न्यूमरल्स। हिंदू और अरबी न्यूमरल्स इनको बोला जाता है। अब इन्हीं नंबरों को लिखने का जो तरीका होता है हल्का सा चेंज होता है, इसके कुछ जो नंबर्स होते हैं वो चेंज होते हैं। अब जो होते हैं आपके लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स। अब इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे अपन 1 लिखते हैं तो इस 1 को लिखा जाता है कुछ इस तरीके से। उसके बाद में 2 को जब लिखा जाता है तो 2 के लिए अपन को 2 लाइन बनानी होती है। इसी तरीके से 3 को अगर अपन देखें तो 3 को लिखने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, इसके अंदर 1 2 3 लाइन बनाई जाती है। इसी तरीके से अगर 4 को लिखना है तो 4 को लिखने के लिए आई और बी इस तरीके से कुछ लिखा जाता है, मतलब कि 1 लाइन और उसका जो बी का साइन इस तरह बनाया जाता है। उसके बाद में देखते हैं अपन 5 नंबर, तो 5 के लिए होता है V, ये साइन होता है। 6 के लिए क्या होता है? V और 1 लाइन। उसके बाद 7 के लिए V और 2 लाइन। उसके बाद में 8 के लिए V और 3 लाइन। उसके बाद में 9 I और X का साइन होता है, और 10 के लिए आपको X का साइन होता है। ये नॉर्मली आपके 1 से लेके 10 तक इस तरीके से काउंटिंग लिखी जाती है इसके अंदर रोमन नंबर के अंदर। और हिंदू और अरबिक के बारे में अपन पढ़ते जा रहे हैं, बाकी आज का नया टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। अब रोमन न्यूमरल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जिनको अपन को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर बात आती है कि कभी भी किसी भी रोमन नंबर को, एक रोमन नंबर को लगातार मतलब कि कंटिन्यूअसली तरीके से 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं लिखा जाता है। जैसे अगर अपन मैंने जैसे देखा कि 1 के लिए 1 लाइन बनाई, 2 के लिए 2 लाइन बनाई, 3 के लिए 3 लाइन बनाई, इन 4 के लिए मैंने 4 लाइन नहीं बनाई, क्योंकि जो अगर अपन यहाँ पे अगर सेम तरीके से अगर 4 लाइन अगर बना देते हैं तो ये इस तरीके से ये रोमन नंबर जो होता है वो गलत हो जाता है। क्योंकि रोमन नंबर के अंदर कभी भी कोई भी एक जैसा साइन जो होता है वो लगातार 4 टाइम्स नहीं लिखा जाता। बीच में अगर कोई दूसरा साइन आके अगर वापस अगर आता है तो चल जाएगा, लेकिन लगातार अगर 4 टाइम अगर ऐसा कोई अगर साइन अगर बनाना चाहे तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर ऐसा अगर करते हो तो वो जो रोमन नंबर होगा वो क्या होगा? गलत होगा। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि 4 टाइम 3 टाइम से ज्यादा कोई भी रोमन नंबर नहीं आएगा। उसके बाद आती है कि कुछ इसके इंपॉर्टेंट साइन होते हैं कि जैसे 1 के लिए होता है 1, 5 के लिए होता है 5, 10 के लिए होता है एक्स। इस तरीके से कुछ साइन होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अब कौन कौन से साइन है ऐसे जो कि आपको ध्यान रखना है तो उसके बाद बारे में हम देखेंगे। उन्हीं इंपॉर्टेंट साइन से अपन पूरी रोमन नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे देखते हैं इसके अंदर अपन देखते हैं कि हिंदू और अरबी न्यूमरल्स और इधर आ जाएगा आपके रोमन न्यूमरल्स। अब अपन देखेंगे जैसे हिंदू अरबी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से अपन पूरी काउंटिंग के बारे में अपन जान सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जैसे 1, तो 1 अपने लिए इंपॉर्टेंट है और 1 को अपन लिखा जाता है नॉर्मली जिस तरीके से अपने हिंदू अरबी में लिखते हैं। हिंदू अरबी में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, जिस तरीके से लिखा जाता है रोमन नंबर के अंदर नॉर्मली एक लाइन बनाई जाती है। इसी तरीके से अगर अपन देखें कि हिंदू और अरबी के अंदर जो 5 होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, जिसके अंदर V का साइन बनाया जाता है 5 के लिए होता है V। उसकी इसी तरीके से अगर अपन देखें कि 10, तो 10 के लिए अपने लिए हो सकता है X, X का साइन बनेगा। इसी तरीके से अगर अपन देखें कि 50, तो 50 के लिए अपने लिए साइन बनेगा L। इसी तरीके से 100 के लिए अगर अपन देखें तो बनेगा C। इसी तरीके से 500 के लिए देखें तो बनेगा D।
डी और थाउजेंड की लीवर अपन देखें तो अपने लिए बनेगा एन। नॉर्मली अपन को थाउजेंड तक की काउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी अगर नंबर अगर दे दिया जाता है तो किस तरीके से किसी नंबर को बनाया जाता है उसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। एकदम इजी है, कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। बस आपको जो कुछ नियम बताए जाते हैं उनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अब आपको सबसे पहले इन रोमन नंबर को याद रखना है कि वन को तो वन के जैसे लिखा जाता है, लेकिन फाइव को भी लिखा जाता है। टेन के अंदर एक्स होता है, 50 के लिए L होता है, 100 के लिए C होता है, 500 के लिए D होता है और 1000 के लिए M होता है। अब इस तरीके से इसको याद रखोगे, जैसे 1, 5 और 10 के लिए नॉर्मल है, I, E और X होता है, लेकिन 50, 100 और 500 के लिए अपन कंफ्यूज होते हैं, तो उसके लिए हमेशा ये याद रखो LCD। जैसे LCD TV वगैरह होती है तो उसी तरीके से याद रखना है, LCD 50, 100, 500 और पीछे M नॉर्मली है 1000, तो LCD M 1, 5, 10, I, V, X, उसके बाद में 50, L, 100, C, 500, D और 1000, M। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। हाँ जी, अब अपन काउंटिंग सीखेंगे कि किस तरीके से काउंटिंग को बनाया जाता है। इसकी बार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको नॉर्मली लर्न हो जाएगी। तो इसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं है, एकदम नॉर्मल है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं, जैसे अगर हिंदो अरबी के अंदर अपन काउंटिंग देखते हैं तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, जैसे ये है हिंदू अरबी। अब इसके अंदर देखते हैं कि अपन को रोमन नंबर किस बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले वो 1 के लिए, तो अपन ने याद किया था कि 1 के लिए आपको 1 लाइन बनानी है। इसी तरीके से 2 के लिए 2 लाइन बन जाएगी। इसी तरीके से 3 के लिए आपको 3 टाइम लाइन बनानी है, लेकिन 4 के लिए 4 टाइम लाइन नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता था कि कोई भी रोमन नंबर का जो साइन है वो कभी भी 3 टाइम से ज्यादा नहीं आएगा। तो अगर अपने यहां पे 4 के लिए अगर 4 लाइन बनाता तो ये गलत हो जाता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि 5 के लिए अपन ने सीखा था कि V बनाता है, तो जो 4 होता है वो 5 से एक नंबर क्या था पहले आता है, जो 4 है वो 5 से एक नंबर पहले आता है। इस वजह से अपन यहां पे क्या लिख देंगे, 5 से 1 पहले, मीन 4, मतलब कि 4 लिखना है जो 5 से जस्ट पहले आता है। तो इस वजह से अपन क्या लिख देंगे, 5 को लिखना है और उससे एक लाइन पहले बना देंगे। एक लाइन पहले बनाने का मतलब क्या होता है, 5 से एक नंबर पहले मतलब क्या होता है 4 होता है, तो 4 किस तरीके से लिखते हैं। इस तरीके से अगर 6 देखें तो जो 6 होता है वो 5 से एक नंबर जस्ट बाद में आता है, तो 5 से एक नंबर बाद में लाइन बन गया। उसी तरीके से 7 जो होता है वो भी 5 से 2 टाइम्स आगे आता है, तो इस तरीके से आपको आगे लगाना है। इसी तरीके से 8 जो होता है वो 5 से 3 टाइम आगे है, तो ये 3 टाइम। इसी तरीके से जो 9 है वो 5 से 4 टाइम ज्यादा है, तो अपन यहाँ पे 4 लाइन नहीं बना सकते। लेकिन जो 10 है, 10 भी अपन ने सीखा था कि x बनाता है, तो जो 9 है वो 10 से जस्ट पहले आता है, एक नंबर पहले है, तो अपन यहाँ पर बना देंगे यहाँ पे i और x। इस तरीके से अपन को काउंटिंग इसमें बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इस तरीके से आपको रोमन नंबर बनाना है। इसी तरीके से अगर आप इसे देखते हैं तो जैसे देखेंगे कि हिंदू अरेबिक और यहाँ पे आ जाएगा आपके रोम। जैसे अगर अपन देखते हैं कि 10 तक अपन ने सीख लिया, अब उसके बाद अपन देखेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी तरीके से करना है। इसी तरीके से अगर आप रोमन नंबर अंदर इसको चेंज करते हैं, तो रोमन नंबर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो 11 होता है वो 10 से जस्ट एक नंबर बाद में आता है, तो अपने अंदर ही यहाँ पे एक्स लगा के इसका वन लगा देंगे। इसी तरीके से जो 12 होता है वो रोमन 10 से 2 टाइम ज्यादा होता है आगे आता है, तो 12। इसी तरीके से 13 जो होता है वो 10 से 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम आगे आता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा एक्स और उसका 3 लाइन। इसी तरीके से 14 जो होता है वो क्या होता है, 10 प्लस 4 होता है, 10 प्लस 4 क्या बनता है 14 बनता है, तो 10 की संख्या बनाते हैं 10 और उसके लिए उसके बाद 4 के लिए आप क्या बनाओगे, i भी लिखते हैं अपन, तो x i और v, ये इसका हो गया 14 प्लस i। इसी तरीके से 15 का देखें तो 10 प्लस 5 क्या होता है 15 होता है, तो 10 के लिए x लिखते हैं और 5 के लिए लिखते हैं v, तो इस तरीके से ये 15 हो गया। इसी तरीके से 16 का देखें तो x v और i, इसी तरीके से 17 का देखें तो x
वी और सेवन, इसी तरीके से एक्स वी एट, इसी तरीके से 19 का देखें तो एक्स आई और एक्स, और 20 का देखें तो एक्स और एक्स, इस तरीके से ये आपके टोटल साइन बन चुके, ये हुआ आपके 20 तक। इसी तरीके से अगर आगे देखते हैं हम, हिंदू अरेबिक और यहाँ पे आ जाएगा आपके रोमन 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। जिस तरीके से आपको काउंटिंग लिखी है रोमन नंबर की, जिस तरीके से अपने इसके अंदर लिखा था वैसे उसके अंदर लिखना आपको, जैसे 19, 10 और 10 क्या होगा 20 होता है, इसी तरीके से 10 और 10 10 क्या होगा 30 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 20 का साइन क्या हो गया अपने एक्स एक्स हो गया, और तो 21 क्या होता है 20 + 1 21 होता है, तो 20 के लिए साइन क्या है, 20 के लिए साइन है अपने पास में x और x और 1, तो ये 1। इसी तरीके से 20 + 2 22 होता है, तो 20 के लिए डबल x है और उसका आंसर 22। इसी तरीके से 20 के लिए x x और 1 2 3। इसी तरीके से 24 के लिए देखें तो x x i v x x v x x v i, 27 के लिए x x v डबल i x x v ट्रिपल i x x i और x, 10 10 20 20 और 9 29। इसी तरीके से 30 का अगर देखें तो ट्रिपल x 1 और ये 3, x x और x, ये टोटल क्या हो गया 30 हो गया। अपन ने रोमन नंबर 1 से लेके 30 तक की काउंटिंग अपन ने देख ली है। जैसे अपन ने 30 तक सीखा था, इसी तरीके से 31 से आगे देखेंगे, तो 31 के लिए अपन ने बनाया था 3 टाइम्स x बनाया था, इसके बाद क्या आएगा 1, इसके बाद में 30 2 30 और उसके बाद में 3, इसी तरीके से 34 35 36, ये x x x 30 और v i मतलब 6, 36 हो गया। इसी तरीके से 37 38 39 और 40 के लिए अपन 4 टाइम्स x तो लगा नहीं सकते, तो अपन ने देखा था कि 50 को कैसे लिखते हैं, अपन l लिखते हैं, तो l से पहले क्या हो जाएगा, l तो है 50, लेकिन जो 40 है वो 50 से कितना पहले है, 10 टाइम्स पहले होगा, तो l से पहले क्या लग जाएगा, x लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा xl, xl मतलब क्या हो गया 40। इसी तरीके से अगर आगे देखते हैं अपन 41 के लिए, तो 40 के लिए अपन ने लिखा था xl, तो ये 41 के लिए क्या हो जाएगा xl और 1, इसी तरीके से xl 2, 43 के लिए xl 3, 44 के लिए xlIV, 45 के लिए xlV, 46 के लिए xlVI, 47 के लिए xlVII, 48 के लिए xlVIII, 49 के लिए xlIX, ये हो गया आपके 49, और 50 के लिए देखें तो 50 के लिए L तो होता ही है। इस तरीके से आपको रोमन नंबर देखना है, जैसे 50 तक करवाया है वैसे आपको आगे तक करना है, और आज इसकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है, वापस तो वापस सारे सारे याद करना है।